क्या है ये MACP योजना, इसके क्या नियम हैं, शर्तें क्या हैं और शिक्षकों को इससे क्या फ़ायदे हैं, आइए इस विषय में थोड़ी चर्चा करते हैं, क्योंकि अभी शिक्षकों के बीच ये काफ़ी विषय रहा है कि MACP को लेकर के आंदोलन किया जाए और आमरण अनशन भी चल रहा है आपका रांची में। तो आइए जानते हैं MACP योजना को। झारखंड के सरकारी कर्मियों को MACP योजना के तहत पूरे सेवा अवधि में 3 वित्तीय उन्नयन यानी फिनेंशियल अपग्रेडेशन का प्रावधान है। ये 10 वर्ष, 20 वर्ष और 30 वर्षों की सेवा पूरी करने के बाद दिया जाता है। एक ही ग्रेड वेतन में लगातार 10 वर्षों की नियमित सेवा के बाद इस योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन का लाभ पा सकते हैं। यदि सरल शब्दों में कहें तो इस योजना के तहत जब भी कोई सरकारी सेवी वर्ग एक ही लेवल वेतन में लगातार काम करता रहता है और इस दौरान प्रमोशन नहीं होता है तो उसे 10 वर्षों की अवधि के बाद ऑटोमेटिक फिनेंशियल अपग्रेडेशन मिल जाता है। झारखंड सरकार वित्त विभाग के संकल्प संख्या 2981 दिनांक 1/9/2009 के अनुसार राज्य कर्मियों को निहित प्रावधानों एवं शर्तों के तहत 10, 20 और 30 वर्षों की सेवा के बाद MACP योजना के अनुसार वित्तीय उन्नयन यानी कि फिनेंशियल अपग्रेडेशन का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। MACP का फुल फॉर्म होता है मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन, हिंदी में बोलें तो सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना। इस योजना से लाभ क्या है? तो झारखंड के सरकारी कर्मियों को MACP योजना के तहत पूरे सेवा काल में 3 वित्तीय उन्नयन का लाभ देय है। इस स्कीम के तहत, स्कीम बोल सकते हैं, है ना, कर्मचारी को पूरे सेवा काल में 3 बार फिनेंशियल अपग्रेडेशन मिलता है। इस फिनेंशियल अपग्रेडेशन के बाद राज्य के सरकारी और नियमित कर्मचारी को नए ग्रेड वेतन के तहत सैलरी मिलती है, जो प्रमोशन से मिलने वाले वित्तीय लाभ के इक्वल ही होता है। इस योजना के तहत वित्तीय उन्नयन अधिकतम वेतन बैंड 4 में 10,000 रुपये ग्रेड वेतन तक अनुमान्य है। इसके अंतर्गत वित्तीय उन्नयन क्रमिक ग्रेड वेतन की सूची में ठीक अगला उच्चतर ग्रेड वेतन जो वित्त विभाग के संकल्प 660 28 फरवरी 2009 की अनुसूची 1 में अनुशंसित वेतन बैंड और ग्रेड वेतन है, इसके अनुसार दिया जाएगा। सरकारी कर्मियों के लिए MACP योजना के लाभ को सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि यदि झारखंड का कोई सरकारी सेवक पे बैंड फर्स्ट में ग्रेड वेतन 1900 के पद पर सीधी नियुक्ति द्वारा योगदान करते हैं और 10 वर्षों की सेवा के बाद कोई प्रमोशन नहीं मिलता है तो वह सरकारी सेवक को MACP योजना के तहत ठीक अगला उच्चतर ग्रेड वेतन 2000 में वित्तीय उन्नयन देय होगा। इस उन्नयन के साथ एक वेतन वृद्धि एवं ग्रेड वेतन की अंतर की राशि 100 रुपया को जोड़कर निर्धारित किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आशुतोष कुमार को लेवल 2 के तहत वेतन प्राप्त है। यदि आशुतोष 10 साल की तक इसी लेवल में काम करता है, उन्हें कोई प्रमोशन नहीं मिलता है, तो ऐसे में उन्हें MACP योजना के तहत फिनेंशियल अपग्रेडेशन करके लेवल 3 में अपग्रेड कर दिया जाएगा। यदि आशुतोष को 15 साल में प्रमोशन मिल जाता है तो उसको प्रोन्नति का वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही 10 साल पूरा होने पर MACP के तहत वित्तीय उन्नयन का लाभ ले लिया है। शिक्षकों को MACP योजना से फ़ायदे क्या हैं? तो शिक्षकों की प्रोन्नति में अनेक बाधाएं हैं। ग्रेड 4 हो या ग्रेड 7, इन सभी में प्रोन्नति की आस लगाए शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इन्हीं बाधाओं का समाधान के लिए शिक्षकों को MACP की ज़रूरत है। MACP योजना से बिना प्रोन्नति का भी 10, 20 और 30 वर्षों में 3 बार वित्तीय उन्नयन होगा। झारखंड में MACP योजना के तहत वित्तीय उन्नयन लाभों की स्वीकृति सामान्य प्रमोशन मानकों और नियमों के अधीन देने का प्रावधान किया गया है।
प्रमोशन नियम की भांति एमएससीपी योजना में आरक्षण और रोस्टर नहीं है। इसका लाभ सेवा के 10 वर्ष पूरा होते ही सभी योग्य शिक्षकों को, चाहे वह सामान्य वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो या अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जनजाति के हों, समान रूप से मिलेगा। शिक्षकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें पद सृजन की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान 1993 नियमावली के तहत ग्रेड 7 में प्रमोशन पाने के लिए रिक्त पद के समतुल्य को ही प्रमोशन दिया जा सकता है। ग्रेड 4 में प्रोन्नति के लिए उस विषय की रिक्त इकाई पर ही संबंधित विषय के योग्य शिक्षक पात्रता रखते हैं। अंतर जिला स्थानांतरित शिक्षक वरीयता खो देते हैं, जिसके कारण वे वरीय होते हुए भी कनीय हो जाते हैं, जो सीनियर रहते हुए भी जूनियर हो जाते हैं। एमएससीपी योजना लागू होने से ऐसे शिक्षकों को की वरीयता जो है वो बनी रहेगी, अक्षुण्ण नहीं टूटेगी, कम नहीं होगी। यदि सार की बात की जाए कम शब्दों में, तो एमएससीपी योजना के तहत प्रमोशन से मिलने वाले वित्तीय लाभ के बराबर बिना प्रमोशन के भी उतना ही लाभ मिलता है। झारखंड राज्य के नियमित सरकारी कर्मचारियों को उनके सेवा का प्रत्येक 10 साल पूरा होने के बाद समस्त सेवा काल में 3 बार तक इस योजना से वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। झारखंड के शिक्षकों को भी इसकी आवश्यकता महसूस होने लगी है, क्योंकि राज्य के प्रारंभिक शिक्षक प्रोन्नति की आस में नियुक्ति तिथि से सेवा काल की अंतिम तिथि तक एक ही वेतन लेवल पर रिटायर हो जाते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। यदि आप चाहते हैं कि इसके बारे में आपके दोस्तों को भी पता चले, वो भी जानें इनके बारीकियों को, और हाँ ये चीज़ करना तो बिल्कुल नहीं भूलें, भैया मुफ्त है ये, कर लो। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।